Hey guys, welcome to our channel Foods Benefits. This is Shabnam. और friends, सबसे पहले तो I am really sorry कि बहुत time के बाद मैं video upload करने जा रही हूँ, क्योंकि friends मैंने इसके पहले एक video update भी दी थी अपनी illness की, कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी and बहुत ज़्यादा treatment चल रही थी उस वक्त भी जब मैंने वो video upload की थी मेरी illness की. एंड फिलहाल अभी भी कुछ दवाइयाँ मेरी हैं जो चल रही हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो फिर से वापस आते हैं अपने चैनल में. बहुत दिन हो गया आप लोगों से मिले हुए, वीडियो अपलोड किए हुए. सो गाइस, जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको वेलकम बैक टू योर चैनल, आपके खुद के चैनल में आपका स्वागत है बहुत बहुत तहे दिल से फिट्स बेनिफिट्स पे. एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं रेगुलर बेसिस पे, फिलहाल तो कुछ दिनों से मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो गई है एंड यूरिन में भी इन्फेक्शन है, तो अभी अंडर कंट्रोल है मेरी हेल्थ. सो गाइस इस चैनल पर मैं रेगुलर अपलोड करती रहती हूँ हेल्थ से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड वीडियोस. ठीक है, एक्चुअली अचानक से मेरे पेट में, मेरे लेफ्ट साइड में, स्टमक में बहुत तेज़ की दर्द होने लगी थी. मीन्स मेरे मेरी जो स्पाइनल है, रीढ़ की हड्डी है, वहाँ से लेते हुए मेरे स्टमक तक पूरे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बॉडी पार्ट में मेरी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी. तो जब मैंने दो तीन लोगों से बात की और मेरे सामने एक डॉक्टर अंकल है मेरे, हमारे पहचान के ही हैं, तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मे भी हो सकता है कि मुझे किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी में स्टोन हो सकता है मे भी. तो मैंने फिर बहुत सारी दवाइयाँ ली, पेन किलर्स लिया, लेकिन पेन किलर्स लेने से क्या होता था कि 6 से 7 घंटे मेरी पेन जो है वो बंद रहती थी, देन फिर क्या होता था कि पेन फिर एज इट इज़ होने लगती थी. एंड इसके साथ ही बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी हो रही थी, पेट मेरा पूरी तरह से फूल चुका था. जो भी मैं खाना खा रही थी, एक्चुअली तो खा ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी. लाइक 4-5 निवाला भी अगर मैं खाना खाती थी तो वो तुरंत ही वॉमिटिंग हो जाती थी और खाना खा ही नहीं पाती थी. बिल्कुल मतली जैसी आती थी, उल्टी आती थी, पेट भी फूल गया था और सही से मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप की हो गई थी, सही से मतलब खुलासा नहीं हो रहा था मेरी टॉयलेट का भी. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी. मीन्स आप इसे सिम्टम्स ले सकते हैं, एज ए सिम्टम्स के तौर पे आप इसे ले सकते हैं कि पेट में अगर इन्फेक्शन हो तो सबसे पहले तो किडनी की तरह ही दर्द होगा, पीछे से लेकर सामने की बॉडी पार्ट की तरफ आपको पेन आएगा, देन आपका पेट फूल जाएगा और आपकी जो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, सही से आपको बाथरूम नहीं आएगा, टॉयलेट सही से नहीं आएगा. साथ ही आपकी जो यूरिन है, यूरिन में अगर इन्फेक्शन होगी तो यूरिन करते वक्त यूरिन में आपको जलन महसूस होगी, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होगी और साथ ही आप कुछ खा पी नहीं पाओगे, आपको नौशिया होगी, मतली आएगी, उल्टी आएगी, खाना नहीं खा पाओगे सही तरीके से, आप सो नहीं पाओगे, बैठ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, पूरी तरह से परेशान हो जाओगे. ये सारे आप एज अ सिम्टम्स ले सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन के और पेट में इन्फेक्शन के, राइट. तो फिर मैंने यूएसजी कराया, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे यूएसजी प्रेस्क्राइब किया एंड यूरिन का एक टेस्ट है, 3 टाइप की टेस्ट होती है, वो प्रेस्क्राइब करा डॉक्टर ने. मैं वो भी बता दे रही हूँ आपको कि कौन कौन सी टेस्ट मैंने कराई थी. एक है CE, एक है CS, एक है RE. ये 3 टाइप की टेस्ट होती है, ठीक है. अब तक हम मतलब ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि यूरिन की एक ही टेस्ट होती है जो कि प्रेगनेंसी में होती है, ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीज़ों में यूरिन का टेस्ट करवाया जाता है, 5-6 तरह की टेस्ट होती हैं यूरिन की जो कि अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स में की जाती हैं. CERECS जो टेस्ट होती है यूरिन की, ये मेनली टेस्ट इसलिए करवाई जाती है उससे पता ये चले कि आपके यूरिन में किसी तरह की कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या नहीं, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन है या नहीं आपके स्टमक में, आपके यूरिन में, ठीक है. तो सारी रिपोर्ट्स जब आई तो उसमें से ये निकल के आया कि सारी चीज़ें ठीक है, मेरे सारे ऑर्गन्स सही सलामत हैं, लेकिन मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया, पता नहीं शायद किसी गलत खान पान की वजह से हुआ होगा, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ होगा, इस तरह से हो सकता है ना. तो यूरिन में भी इन्फेक्शन हो गई. तो उसके बाद मैंने जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया था वो सारी मेडिसिन मैंने ली एंड
इसके साथ साथ मैंने अपने खाने पीने में भी पूरा कंट्रोल किया हुआ है। लाइक यूरिन इन्फेक्शन अगर हो किसी को तो बहुत सारा ढेर सारा पानी पीना होता है, ढेर सारा पानी पीना होता है, राइट। और जब भी मतलब बाथरूम को आप कंट्रोल आपको नहीं करना है, जब भी आपको बाथरूम लगे, आपको बाथरूम की टेंडेंसी हो तो आपको बाथरूम तुरंत कर लेना है, बाथरूम को आपको कंट्रोल नहीं करना है। उससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होती है, वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो वो जो है वो ज़्यादा उसमें जमने लगते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि और ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने लगती है उस प्लेस पर, ठीक है। और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा खाना लेना होगा, जैसे कि आप पपीता ले सकते हैं, आप लौकी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको लेनी होंगी। और गर्म खाना आपको नहीं लेना है, दूध वाली चाय आपको नहीं लेनी है, मसालेदार कोई खाना आपको नहीं खाना है, रिच खाना आपको नहीं खाना है, ठीक है। ठंडा जितना हो सके पेट को आप ठंडा रखें, लाइट से लाइट खाना खाएँ, बहुत ज़्यादा पेट भर के आपको खाना नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना खाना है, और बस यही है। और सही से अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। और अगर यूरिन इन्फेक्शन हो रही है और इचिंग हो रही है, आपकी यूरिनल जो प्लेस है वहाँ पर अगर इचिंग हो रही है, तो वहाँ पर उसके लिए आप प्रोबायोटिक फूड लें, ठीक है। प्रोबायोटिक फूड से जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, बैड बैक्टीरियाज़, वो ख़त्म हो जाते हैं। और साथ ही इचिंग होने पर आप अपने जो यूरिनल जो स्पेस है वहाँ पर आप लहसुन यूज़ कर सकते हैं, वो एक होम रेमेडी है, लहसुन यूज़ कर सकते हैं। लहसुन से क्या होता है कि वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें, हम सभी जानते हैं। तो उससे जो ऑर्गेनिजम्स होती है, जो बैक्टीरियाज होती है बैड वाली, वो ख़त्म हो जाती है और इचिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। साथ ही आपको मेडिसिन भी लेने होते हैं, तो मेडिसिन मैं ले रही हूँ अभी, ठीक है। और पहले से मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही देते हैं। जब कहा था कि हाँ मैं सारी चीज़ें बताऊँगी आप लोगों से, डिटेल में शेयर करूँगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एंड गाइज, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, सक्सेस हो रहे होंगे और इस मानसून का मज़ा ले रहे होंगे। सावन का महीना चल रहा है और बहुत जल्द मैं लाइव आने वाली हूँ फ्रेंड्स। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग लाइव वीडियो में इंटरेस्टेड है या नहीं, आप लोग चाहते हैं या नहीं। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में कि हाँ मुझे लाइव करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली करूँगी, ठीक है। फेस बिल्कुल डल हो गया था, इतनी दिनों की तबीयत खराब में मेरा फेस बिल्कुल डल हो गया था। तो मैंने क्या किया ना, तो इसकी मैं रेमेडी बताऊँ कि मैंने अपने डल फेस को फिर से कैसे ठीक किया। चलो बता देती हूँ। मैंने सौंफ की स्टीम ली, ठीक है। तो सौंफ की स्टीम कैसे लेते हैं, पहले पानी को आप, अगर आप भी सौंफ की स्टीम लेना चाहते हैं अपनी स्किन की ग्लो को बढ़ाने के लिए, इस टेक्सचर को बढ़ाने के लिए, इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, मेरी प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो। तो मैंने जस्ट आपको पानी गर्म करना है, पानी जब बॉयल होने लगे तो उसमें आपको 2 चम्मच सौंफ डाल देना है और उसको अच्छी तरह से बॉयल करना है। जब बॉयल हो जाए तो उसको उतार के जस्ट उसकी भाप आपको अपने फेस पे लेनी है। इससे क्या होता है कि आप अगर हफ्ते में 2 दिन भी करोगे ना, तो इससे आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगी, आपकी स्किन की टेक्स्चर भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और अगर पिम्पल्स हो तो मेरी तरह वो भी होम रेमेडी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें जस्ट गार्लिक क्रश करके दिया था, लहसुन क्रश करके इसमें दिया था, तो ये धीरे धीरे ठीक हो रही है, देखो, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये एक नेचुरल रेमेडी है, सो इट टेक्स टाइम, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की बस चिट चैट इतनी ही, एंड अब से मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। सो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और इस पर मैं इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आती हूँ, सो इसीलिए आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहली न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो वो आपको मिले। अगर आप बेल प्रेस नहीं करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरी वीडियोज़ कब अपलोड हुई, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरी वन, एंड गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू।